14 अप्रैल 1912 का वो काला दिन जब हिमशिला से टकराकर टाइटैनिक डूब गया था। सैकड़ों जिंदगियां कुछ ही घंटों में मौत के मुंह में समा गई थीं। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में उत्तरी अटलांटिक महासागर में 3,800 मीटर की गहराई में पड़ा है। हाल ही में इसी टाइटैनिक की तस्वीरें भी जारी हुई थीं। ओशन गेट एक्सपेडिशंस नाम की कंपनी ने पर्यटकों को लाइव टाइटैनिक का मलबा दिखाने का बीड़ा उठाया। सबमरीन पर सवार होकर जाना था, टिकट थी प्रति व्यक्ति 2 करोड़। 18 जून को टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटैन समुद्र में उतरी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी लगभग 1 घंटा 45 मिनट बाद खबर आई कि टाइटैन अटलांटिक महासागर में लापता हो गई है। रडार से पनडुब्बी बिल्कुल गायब हो गई। बताया जा रहा है कि इसमें एक पायलट और 4 पैसेंजर सवार थे, जिनमें ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, फ्रांसीसी पायलट पॉल हेनरी नार्गोलेट, ब्रिटिश के अरबपति कारोबारी हामिश हार्डिंग और पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपने बेटे के साथ मौजूद हैं। ब्रिटिश व्यवसायी हामिश हार्डिंग वही हैं जिन्होंने नामीबिया से 8 चीते लाने में भारत सरकार का सहयोग किया था। वहीं पनडुब्बी को ढूंढने के लिए कनाडाई सेना ने एक गश्ती विमान और 2 जहाज दिए हैं, जिनमें से एक गोता लगाने में माहिर है। सेना ने टाइटन की किसी आवाज को सुनने के लिए सोनार प्लव भी दिए हैं। कनाडा के एक विमान ने समरसिबल की तलाश के दौरान पानी के भीतर आवाजों का पता लगाया है। बचाव कर्मी तेजी से खोजबीन में जुटे हैं क्योंकि लापता लोगों के पास समय बहुत कम है। समरसिबल पर 22 जून सुबह तक ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। वहीं अमेरिकी सेना ने भी 3 C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन भी खोज में मदद के लिए लगाए हैं। अमेरिका कनाडा की रेस्क्यू टीम ने केप कॉड से करीब 900 मील पूर्व में तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा पानी में सोनार बॉय भी छोड़े गए हैं जो 13,000 फीट की गहराई तक मॉनिटर कर सकते हैं। लगातार तलाश के बीच ये बात सबसे अहम है कि ऑक्सीजन बेहद कम बची है। ये मंजर किसी हॉलीवुड की फिल्म के सीन जैसा लग रहा है, जब सबमरीन पानी में खो जाती है और धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है। क्या इस बार टाइटैन में सवार 5 लोगों की जिंदगी बच पाएगी, ये समय ही बताएगा।